नमस्कार, स्वागत है आप सभी का JKVP चैनल पर। आज मैं BCOM सेकेंड ईयर फोर्थ सेम का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले एक नज़र उनके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स पर डाल लेते हैं। BCOM जनरल और BCOM कंप्यूटर दोनों को ही 7-7 सब्जेक्ट्स होने वाले हैं और 6 सब्जेक्ट्स दोनों के सेम रहेंगे। वो है प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, इंग्लिश सेकेंड लैंग्वेज, कॉरपोरेट अकाउंट, इनकम टैक्स पार्ट 2, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकेंड। लेकिन यहाँ पर अगर कंप्यूटर को ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद C++ रहेगा तो वहीं पर जनरल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस रहने वाला है। दोनों ही BCOM जनरल या BCOM कंप्यूटर की बात करें तो ये जो सेम है, फोर्थ सेम, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि इसमें कॉरपोरेट अकाउंट है और इसके चैप्टर तो टफ ही रहेंगे, इसमें अमालगमेशन वगैरह रहेगा। और इनकम टैक्स भी अब नेक्स्ट लेवल का इनकम टैक्स होने वाला है आपको। और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, तो ये 3 सब्जेक्ट के ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि मैं वीडियोस बनाऊँ। इसके अलावा मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के ऊपर भी, जो कि पूरी तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। चलिए अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इनका सिलेबस एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कॉरपोरेट अकाउंट। कॉरपोरेट अकाउंट दोनों को ही होने वाला है, BCOM जनरल को भी और BCOM कंप्यूटर को भी। सिलेबस भी सेम रहेगा। सिलेबस जो है वो इस प्रकार है। पहले यूनिट में कंपनी लिक्विडेशन के बारे में रहेगा। अब कंपनी लिक्विडेशन में 2 मेथड रहते हैं, एक तो स्टेटमेंट बनाना होगा आपको और दूसरा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट बनाना होगा। दोनों ही से एक एक प्रॉब्लम रहेगा या फिर एक प्रॉब्लम और अपोजिट में एक थ्योरी रहेगा। अमालगमेशन, ये सबसे टफ चैप्टर है इसका। अमालगमेशन में 2 मेथड है, परचेस मेथड है, मर्जर मेथड है। दोनों मेथड से एक एक प्रॉब्लम हो सकता है या फिर एक प्रॉब्लम और अपोजिट में एक थ्योरी हो सकती है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन एंड एक्विजिशन ऑफ बिजनेस। एक्विजिशन ऑफ बिजनेस बिल्कुल अमालगमेशन जैसा ही होगा, बस अमालगमेशन 2 कंपनियों के बीच में होने वाले मर्जर को या परचेस को कहते हैं। वहीं पर एक्विजिशन का मतलब होता है जब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोल ट्रेडर बिजनेस या पार्टनरशिप बिजनेस को खरीद ले, तो इस तरीके के ट्रांजैक्शन को, बिजनेस ट्रांजैक्शन को एक्विजिशन ऑफ बिजनेस कहते हैं। और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो बेहद आसान है, ये तो पक्का रहने वाला है आपको एग्जाम में। अपोजिट में एक्विजिशन ऑफ बिजनेस का प्रॉब्लम भी पूछ सकता है या फिर थ्योरी भी पूछ सकता है। अब अगर कभी फोर्थ यूनिट की बात कर ले तो इसमें है अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज। ये बिल्कुल नए पैटर्न में आपको बनाना होगा, इसमें नंबर ऑफ शेड्यूल्स रहने वाले हैं। इजी है लेकिन थोड़ा लेंथी है। एक प्रॉब्लम बैलेंस शीट का और एक प्रॉब्लम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपको पूछ सकता, कभी कभार थ्योरी भी पूछ सकता, लेकिन थ्योरी के चांस इसमें तो कम है। अब अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड इंश्योरेंस क्लेम। अब इंश्योरेंस कंपनी यानी कि जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस क्लेम यानी कि फायर इंश्योरेंस। तो ये 3 किस्म के चैप्टर है आपको इसके अंदर। इसमें भी मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ एक प्रॉब्लम एक थ्योरी पूछेगा, और तीनों ही चैप्टर के प्रॉब्लम आपको सिखाना बेहद ज़रूरी है। वैसे अच्छा सिलेबस है कॉरपोरेट अकाउंट का, ये जो सिलेबस है बेहतरीन है और इसके ऊपर आपको वीडियोस में ज़रूर बनाऊंगा और आप देखना, आपको आसानी से ये समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट है इनकम टैक्स। अभी ये इनकम टैक्स पार्ट 2 है। अब तक आप जो इनकम टैक्स पढ़े थे, आप सभी को मालूम है कि देर आर 5 डिफरेंट हेड्स ऑफ इनकम। नंबर 1 सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। अब 3 चैप्टर तो आप प्रीवियस सेमेस्टर में यानी कि 3rd सेमेस्टर में पढ़कर आ गए, सैलरी के बारे में, हाउस प्रॉपर्टी के बारे में और बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में। अभी आपको कैपिटल गेन सिखाया जा रहा, दूसरे यूनिट में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस सिखाया जा रहा, और तीसरे यूनिट में क्लबिंग यानी कि वो पूरे इनकम से आने वाले, 5 हेड से आने वाली इनकम को एक जगह करना यानी कि क्लब करना, जोड़ना, फिर उसमें से सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड वगैरह अगर कुछ है तो करना, मतलब कुछ तो भी अगर कभी किसी से माइनस आ जाए, किसी से लॉस आ जाए तो उसको प्रॉफिट में से कैसा कम करना, कैसा एडजस्ट करना, और ज़रूरत पड़े तो कैसा उसको कैरी फॉरवर्ड करना, वो सब अपन सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। साथ में इसमें डिडक्शन फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम के बारे में भी दिया, तो
तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। पूरे इनकम आज जुड़ लेने के बाद में आपको थोड़े बहुत डिडक्शन रहते, जो कट करने रहते, माइनस करने रहते, वो माइनस करने के बाद में टैक्सेबल इनकम आता, फिर उसके ऊपर टैक्स निकाला जाता। अब टैक्स कैसा निकाला जाता उसके ऊपर भी एक चैप्टर उन्होंने दिया, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, जो कि आपका फोर्थ यूनिट है, बेहतरीन यूनिट है, बहुत अच्छा है, आपको मज़ा आएगा। और पांचवा जो है असेसमेंट प्रोसीजर है, कंप्लीटली थ्योरी है, इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं। तो शुरू के चार यूनिटों में आपको एक प्रॉब्लम, एक थ्योरी, एक प्रॉब्लम, एक थ्योरी आएगा, लेकिन फिफ्थ यूनिट में आपको कंपलसरी दोनों के दोनों थ्योरी आएंगी। तो टैक्सेशन के हिसाब से आप थ्योरी को लाइट नहीं ले सकते, बेहद अच्छा है, बहुत अच्छा सिलेबस है, कंप्लीट इनकम टैक्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप प्रीवियस सेमेस्टर में पढ़े, आधा पढ़े, अभी रिमेनिंग आधा इसमें है, मज़ा आएगा आपको ये सब्जेक्ट में। फिर है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स थोड़ा हाई लेवल का है, यहाँ पर सबसे पहले यूनिट में रिग्रेशन है, इससे पहले आप प्रीवियस क्लास में कोरिलेशन के बारे में, रैंक कोरिलेशन, मीन, मीडियन, मोड, सब बेसिक पढ़े थे। अब थोड़ा लेवल बढ़ गया तो रिग्रेशन है, यहाँ पर इंडेक्स नंबर है, यहाँ पर टाइम सीरीज है, प्रोबेबिलिटी भी है, ये तो बेहद टफ है और बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद थ्योरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ये भी थोड़ा सा टफ है। तो इसमें ये तो पूरी तरीके से प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी हो सकता कि इसमें थ्योरी पूछे, बोल नहीं सकते, लेकिन मैक्सिमम इसमें प्रैक्टिकल पूछने के चांसेस रहेंगे आपके। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की अगर कभी बात कर ले तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि 6 किस्म के फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहते हैं। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी एक किस्म का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वो एक इनकम स्टेटमेंट है। पोजीशन स्टेटमेंट यानी कि हमारी बैलेंस शीट है, एक कैश फ्लो है, एक फंड फ्लो है, एक शेड्यूल्स है, थोड़े बहुत फाइनेंशियल स्टेट रिटेन अर्निंग भी है। तो ये सभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। ये 2 साल 3 साल के अगर कभी दे दे तो उनको किस तरीके से कंपेयर करना, किस तरीके से कंपेरेटिव एनालिसिस प्रेजेंट करना, बस इसी चीज़ को हम एनालाइज करना बोलते हैं। तो इसके ऊपर आपको थोड़े बहुत चैप्टर आने वाले हैं। देखिए पहले यूनिट में तो इंट्रोडक्शन है, मतलब एसेट क्या है, लाइबिलिटी क्या है, इनकम क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है, सबके बारे में रहेगा। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, ट्रेंड एनालिसिस वगैरह, बहुत आसान चैप्टर है ये। फिर रेशियो एनालिसिस है, ये थोड़ा टफ है, इसमें फार्मूलेस ज़्यादा है, लेकिन अगर कभी सही बेसिक अगर कभी आप पकड़ के रखेंगे तो ये आपको बहुत ईजी नज़र आएगा। फंड्स फ्लो है, कैश फ्लो है, बहुत अच्छा सिलेबस है और बहुत काम आने वाला सिलेबस है। फर्दर स्टडी के लिए या जॉब्स के लिए आपको ये सब्जेक्ट बहुत काम आने वाला है। एक चीज़ और मैं आप सभी को बतलाना चाह रहा था कि इस बार जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस कंपलसरी हो चुका है, बहुत से कॉलेज में ऑलरेडी लग भी चुका होगा, तो थोड़ा केयरफुल रहिए, बंक कम मारिए, रेगुलर जाने की कोशिश करिए, क्योंकि हो सकता कि आपका 75% अटेंडेंस अगर ना हो तो आपको हॉल टिकट इश्यू ना हो, बहुत सी दिक्कत पेश आ सकती, आपको पेनाल्टी भी लग सकती, जो कि आपको डायरेक्टली उस्मानिया यूनिवर्सिटी जाके भरना पड़ सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं, थोड़ा रेगुलर जाइए, थोड़ा अवॉइड कीजिए बंकिंग, 75% अटेंडेंस लाने की कोशिश करिए। एक और एक एक बात है कि यूनिवर्सिटी में अलमनेक भी डिक्लेयर होने वाला है। अलमनेक यानी कि आपके इंटरनल एग्ज़ाम कब होंगे, आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होगा, आपके फाइनल एग्ज़ाम कब होंगे, उसका एक पूरा शेड्यूल, एक शेड्यूल आने वाला है, वो जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो बस देखते रहिए JKVP चैनल को, क्योंकि मैं एजुकेशन से ताल्लुकात, यूनिवर्सिटी से ताल्लुकात, हर इन्फॉर्मेशन आपको पहुंचाते रहूँगा, साथ साथ में हर सब्जेक्ट के यानी कि हर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के और ज़रूरी सब्जेक्ट के बीच बीच में मैं वीडियो भी बनाकर आपको अपलोड करके देता रहूँगा। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए JKVP चैनल को। धन्यवाद।